हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्राफ का ब्लाइंड 75 सीरीज का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है नंबर ऑफ आइलैंड। तो दोस्तों, इसमें हम लोग की ग्रिड दी गई है, जिसकी एम इन टू एन वो है साइज। तो हम लोग को दोस्तों फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं। तो दोस्तों, आइलैंड को क्या है, हम लोग जो भी लैंड है उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्ट करके बना सकते हैं। और ग्रिड में जो वन है वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये इनपुट दिया है, ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग इसको इसको अगर हॉरिजॉन्टली ये करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये सारे देखो, अगर जितने ये वाले सारे वन हैं, ये पूरा मिलकर एक आइलैंड बना देंगे, तो इसका आउटपुट हो जाएगा वन, क्योंकि इसमें एक आइलैंड है। इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये चार मिलके एक आइलैंड बनाएंगे। हम लोग इसमें डायगोनली नहीं जा सकते हैं, डायगोनली सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिलकर आइलैंड बनाएंगे। तो ये एक आइलैंड बनाएगा, ये अकेला एक सेपरेट आइलैंड बनाएगा, और ये दोनों जो है ये दोनों एक आइलैंड बनाएंगे। तो टोटल आइलैंड कितने हो गए, तीन। तो दोस्तों चलो, अब समझते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सपोज करो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों सपोज करो, हमारे पास ये दिया हुआ है ग्राफ, 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1। तो दोस्तों सपोज करो, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम लोग को वन मिलेगा, जहां पे हम लोग को वन मिलेगा, तो हम लोग डीएफएस चला देंगे, डीएफएस रन कर देंगे। और कहाँ डीएफएस रन करेंगे, और डीएफएस से कहाँ कहाँ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे और वर्टिकल जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जाएंगे और वर्टिकल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे अब जैसे हम लोग जैसे डीएफएस रन किया, तो डीएफएस रन किया, तो डीएफएस ने क्या किया, ये वाला यहाँ पे विजिट किया, ठीक है। फिर जीरो हुआ तो रिटर्न कर लिया, डीएफएस फिर यहाँ पर विजिट किया और डीएफएस यहाँ पर गया, तो इन चार जगह पे गया, ठीक है, जहां जहां उसे वन मिला। अब इन चार जगहों पे डीएफएस गया, तो डीएफएस, और हम लोग काउंट वेरिएबल करेंगे जो आइलैंड आइलैंड फाइंड करेगा, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट तो काउंट हो गया वन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अभी जितने अभी सारे वन पे उसने ट्रेवल्स कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जाके उनको ट्रू कर दिया यहाँ पे जो भी है, ठीक है, और काउंट को वन कर दिया। फिर इसने ट्रेवल की, फिर जहां वन मिला, फिर जैसे ही वन मिला, फिर इसने सारा डीएफएस चलाया जहां तक जा सकता, तो इन दोनों को मिला के उसने विजिटेड टू कर दिया, और काउंट जो कर दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो दोस्तों काउंट से कितना हो गया, काउंट हो गया हम लोग का टू, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसमें हम लोग को ये करना है बस, कि जहां जहां हम लोग को वन मिलता जाएगा, वहां से हम लोग डीएफएस चलाएंगे, डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, वहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 0 0 है, 1 1 है, 0 है, फिर 0 0 1 है, ठीक है। अब इसमें कितना होना चाहिए, जैसे हम लोग को वन मिला, तो वन मिला एक विस्टेड हम लोग बूलियन का बना लेंगे, उसमें उसमें वन से डीएफएस जाएंगे, वन से कहाँ कहाँ, ये वाला यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाएंगे, इन सबको बना लेंगे हम लोग ट्रू, जैसे ये सब हमारा हो गया ट्रू, ठीक है दोस्तों। अब फिर और काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, तो काउंट हमारा दोस्तों कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग वन गए, फिर हम लोग को एक वन मिला, फिर हमारा काउंट कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कोड करते हैं, कि हम लोग इस क्वेश्चन को कोड कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं, पहले हम लोग इसका इंटर रो कितनी होगी, इसमें ग्रिड की लेंथ, ये हमारी ग्रिड डॉट लेंथ जो होगी रो हो गई, इंट कॉलम हो गया ग्रिड 0 डॉट लेंथ बूलियन विजिटेड ये हो गई इक्वल टू न्यू बूलियन, ये हम बूलियन बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आर कॉमा सी, ठीक है। और इंट काउंट, एक काउंट करेगा जो हमारा नंबर ऑफ आइलैंड का काउंट रखेगा दोस्तों, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, फॉर इंट सी इक्वल टू जे इक्वल टू 0, जे लेस देन सी जे प्लस प्लस, ठीक है। और हमें जैसे ही दोस्तों, अगर जैसे ही ग्रेड आई जे वन मिला, आई कॉमा जे इक्वल इक्वल टू वन मिला, ठीक है, क्या मिला, इक्वल इक्वल टू वन, ये कैरेक्टर एरे है, और ये हमारा जो है अभी तक विस्टेड नहीं हुआ है, ये वाला विस्टेड नहीं हुआ है ग्रेड। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग डीएफएस रन कर देंगे, डीएफएस रन कर देंगे। डीएफएस हम लोग क्यों रन कर रहे हैं, कि हम लोग जितने वन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उन सबको भी ट्रू कर देंगे वहां से, ठीक है, और आर कॉमा सी, ठीक है, डीएफएस रन कर दिया, और काउंट को कर दिया प्लस प्लस। और दोस्तों यहां से रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे काउंट,
ठीक है, हम लोग बना लेते हैं DFS फंक्शन, पब्लिक void DFS, ठीक है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा बूलियन विजिटेड कैर ग्रिड, ठीक है, कैरेट और इंट आर कॉमा इंट सी, हम लोग ने पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है। अब हम लोग जब भी हम लोग को वन मिलेगा क्या करेंगे, हम लोग विस्टेड को कर देंगे दोस्तों ट्रू, ठीक है। और फिर हम लोग कहाँ का जाएंगे, हम लोग डीएफएस जाएंगे एक्स प्लस वन कॉमा वाई कॉमा विस्टेड कॉमा ग्रिड कॉमा आर कॉमा सी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाएंगे, ठीक है, एक्स प्लस बन जाएंगे, एक्स माइनस बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो एक्स से वाई प्लस बन जाएंगे और एक्स से वाई माइनस बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब वहाँ एक्स लेस देन जीरो है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर है और वाई लेस देन जीरो है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी है और हम ऑलरेडी विस्टेड है, अगर नोड हमारा नोड अगर ऑलरेडी विस्टेड है या हमारा ग्रिड एक्स वाई, ग्रिड एक्स वाई क्या है जीरो है सपोज, ग्रिड एक्स, तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे, क्यों कर देंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ वन वन वाले को ट्रू बनाना है और हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या ये जो है हमारा ग्रिड है, ये ग्रिड मतलब एक्स वाई जो है हमारे लेंथ में रो और कॉलम के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो हम लोग वहां से रिटर्न कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ आया DFS के बाद ये आना चाहिए था, अकाउंट के पास प्लस भी ये आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। तो दोस्तों सारे ये सबमिट हो गए हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, तो दोस्तों आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सारे वंस को जाके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वन कर लो DFS को और काउंट प्लस प्लस करते चले जाओ, काउंट प्लस प्लस से हम लोग को आईलैंड मिलते चले जाएंगे। तो दोस्तों चलो अपना ख्याल रखना, तब तक मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, चलिए बाय।